बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मुज़ाकरात के बारे में बड़ी अहम पेशरफ्त है और ख़बरें मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो खबर मीडिया पर रिपोर्ट हुई है वो आपको बताता हूँ, फिर जो खबर मैंने कलेक्ट की है जिसके बारे में मुझे पता है वो आपको बताता हूँ, रुकावट कहाँ पर है वो भी आपको बताता हूँ, और ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा ये भी आपको बताता हूँ, और क्या ये सिलसिला यहाँ पर रुक जाएगा, ये वीलॉग आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको नॉर्मली इस वक्त तक मीडिया में नहीं है, मैंने ज़ाती तौर पे अपने सोर्सेज से ये हासिल की है। नंबर एक तो ये है, खबर ये कह रही है मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म हो गया, दो पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक हो गया, इलेक्शन की तारीख तय नहीं हो सकी। दो पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर इत्तफाक हुआ, ज़रा खबर आप सुन लें। इसमें कहने फ्री कैन के दरमियान दो पॉइंट पर इत्तफाक हुआ, लेकिन तीसरे और अहम पॉइंट इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि बड़े मुस्बत तरीके से बातचीत हुई, दोनों साइड पर इत्तफाक है, एक ही दिन इलेक्शन में बेहतरी होगी, दोनों फरीकैन ने तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया, लचक दोनों तरफ से दिखाई जा रही है। मुज़ाकरात के दौरान दो पॉइंट्स पर इत्तफाक हुआ कि इलेक्शन निगरान सेटअप के तहत होंगे और पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होंगे। तीसरा और मेन पॉइंट तारीख का तायुन है, दोनों फरीकैन की अपनी तारीख है, अभी हम इलेक्शन की एक तारीख पर नहीं पहुँचे, तारीख पर भी इत्तफाक नहीं हुआ लेकिन वो भी जल्द हो जाएगा। अच्छा, हुकूमत की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया कि बजट की मंजूरी के बाद असम्बली ख़त्म की जा सकती है। फिर दोनों तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्शन जीतेगा वो मानेगा, गिलानी साहब ने यह भी कहा, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नतज तमाम फरीकैन तस्लीम करेंगे, ये भी बात हुई है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से बात की। अच्छा, अब ज़रा आ जाए आप दो पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ ज़रा रुक जाए आप, और ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इलेक्शन एक ही तारीख पर होगा, दूसरा पॉइंट ये है कि निगरान हुकूमत के तहत होगा। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में वो कौन सा इलेक्शन है जो निगरान हुकूमत के तहत नहीं हुआ? इलेक्शन होता ही निगरान हुकूमत के तहत है, तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है, बिला वजह उठा के एक पॉइंट बीच में रख दिया है कि निगरान हुकूमत के तहत इलेक्शन होगा, ये चीज़ तय हुई, निगरान हुकूमत के तहत ही होता है। ये तो नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान, तो ये तो हो नहीं सकता। इलेक्शन तो होता है निगरान हुकूमत के तहत और निगरान हुकूमत बनती है हुकूमत के खात्मे के बाद, तो ये तो एक पॉइंट आप निकाल दें कि जो पॉइंट नंबर दो है कि निगरान हुकूमत के तहत इलेक्शन होगा, ये वाला आप निकाल दें। अब आ जाए पहला पॉइंट कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होगा। ये जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे ना तो इसी बुनियाद पर शुरू हुए थे कि मुल्क में अगर एक दिन इलेक्शन करवाने हैं तो बैठ के मुज़ाकरात कर लें, ये भी अंडरस्टूड था। तो ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी तय हैं कि बैठे किस लिए, ताकि इंतखाबात एक साथ करवा दें। अब पीटीआई इसलिए तो नहीं बैठी पीडीएम की जमातों के साथ कि वो ये तय करें कि आओ जी 14 मई को इलेक्शन करवा दें, ये तो एजेंडा ही नहीं था। एजेंडा ये था कि 14 मई पे अगर नहीं करवाने तो मिलकर किस एक तारीख के ऊपर इत्तफाक राय कर लें और मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवा लिए जाए। इस पर तो इत्तफाक हुआ कि इस पर बात करनी है, तभी तो सारे बैठे थे, लेकिन क्योंकि इस इत्तफाके राय पे किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि वो तारीख आ जाती जिस तारीख को असम्बली तहलील होगी, वफाकी और दो सूबाई असम्बलियाँ, और पता चल जाता कि कब इलेक्शन के अंदर जाना है, यानी इलेक्शन की तारीख क्या होगी। यही एक नुक्ता था जिसके लिए सारे बैठे थे, बाकी सारे नुक्ते ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन सबको भेजा था एक तारीख पे इलेक्शन लेने के लिए तो यही कि अगर भेजा था ना, जाके आपस में इत्तफाक राय पैदा करें, अगर आप एक तारीख के ऊपर इकट्ठे इलेक्शन करवाने पर रजामंद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, फैसला करके आ जाएं अंडरटेकिंग लेकर। ये तो लेने ही गए थे, ये तो अंडरस्टूड था, और दूसरा निगरान हुकूमत के तहत ही इलेक्शन होते हैं, तो वाहिद नुकता यह था कि इलेक्शन कब होंगे। अब यह तो खबर है यहां तक। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को भी आप सुन लें ताकि फिर मैं आपको खबर बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है और असल कहानी क्या है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातें गुफ्तगू करें, सुप्रीम कोर्ट की मुस्बत सोच को सामने रखते हुए हमने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये दो तारीख तक हुए हैं, 19 तारीख से लेकर, ये आप ज़हन में रखिएगा, लगभग दो हफ्ते तक ये मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो यानी दो हफ्ते तक तो नहीं होते रहे लेकिन ये है कि मुज़ाकरात होते रहे हैं, और एक दौर ईद से पहले हुआ, एक ईद के बाद हुआ, एक ये हुआ, तो तीन मरतबा हुआ, लगभग दो हफ्ते ही हो गए जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की मुस्बत सोच को सामने रखते हुए हमने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, हमने पीडीएम अलायंस के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया और तमाम जमातें मुज़ाकरात पर आमादा थीं। हमारी तीन नशस्तें हुई, हमने बहसियत पार्टी,
इत्तफाके राय की कोशिश की कि आगे बढ़ें। दोनों जानिब से रहनुमाओं की बयानबाजी को भी नज़रअंदाज किया गया। इत्तफाक हुआ कि मुज़ाकराती अमल को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात ही होने चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि एक ही रोज़ मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। हमने इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की है। ख्वाजा आसिफ के बयानात ने माहौल को साजगार नहीं पेचीदा किया। जावेद लतीफ़ एहसन इकबाल का बयान हौसला अफजा नहीं है। हमारी तजावीज़ मुस्बत और आइन के दायरे के अंदर थी। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना तहरीरी मौकफ अब पेश करेंगे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। पंजाब के इलेक्शन में हमारी पेशरफ नहीं हो सकी। हम चाहते हैं कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को ही हों। हमारी ख्वाहिश है खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन जल्द हों। और तहरीरी तजावीज़ हुकूमती वफ के हवाले कर दी हैं हमने, और हुकूमती इत्तेहाद ने भी तहरीरी तजावीज़ पी टी आई वफ को दे दी हैं। पी टी आई ने इलेक्शन समेत 8 निकाती तजावीज़ का ड्राफ्ट हुकूमत के हवाले किया है। ये वो सारी खबरें हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। अब आप आ जाएँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वकला के साथ मिलकर एक तहरीरी बना चुकी है बयान या एक स्टेटमेंट, जिसको अब जमा करवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ही के दिन में इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेकअप करते हैं और सुनते हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको कल के दिन के लिए पेंड करते हैं और कल इसको सुनते हैं। डिपेंड करता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली फुर्सत में इसको जमा करवाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि पेशरफ नहीं हो रही। अब हुआ क्या है, इमरान खान साहब ने एक चीज़ अपनी पार्टी के सामने रखी और ये कहा कि इसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की इज्जत है और इसी के अंदर जो है वो आईन में गुंजाइश भी यही है कि 14 मई से पहले, क्योंकि 14 मई के अंदर इलेक्शन करवाना है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, तो 14 मई से पहले वफाकी हुकूमत या पीडीएम की जमातें हुकूमतें तहलील करें और फिर इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएँ और इलेक्शन करवाएँ। अगर 14 मई को होता है तो 90 रोज़ में भी इलेक्शन हों तो अगस्त में इलेक्शन हो सकता है। अगर 90 रोज़ तक भी जाएं मैक्सिमम तो अगस्त में इलेक्शन हो सकता है या फिर जुलाई में इलेक्शन हो जाएगा। ये इमरान खान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो तो डेट आ जाएगी, लेकिन असम्बली की तहलील जो है 14 मई से पहले करनी है। जबकि पीडीएम की जमातें ये कह रही हैं कि हम ये तारीख नहीं दे सकते, यानी 14 मई से पहले असम्बली तहलील करने के ऊपर हम रजामंदी जाहिर नहीं कर सकते। हम 14 मई से पहले असेंबली तहरील नहीं करेंगे, बल्कि हम बजट पेश करना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है पीडीएम की जमातों की जानिब से। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजट है कि बजट से पहले और इवन 14 मई से पहले आप असेंबलियां तहलील कर दें। अब होगा क्या और इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो 14 मई से पहले अगर असेंबलियाँ तहलील होंगी तभी एक गुंजाइश पैदा होगी आइन में कि क्योंकि बाकी असेंबलियाँ भी तहलील हो गई हैं इलेक्शन की तारीख से पहले, लिहाजा सारा इलेक्शन एक साथ करवा दिया जाए। अगर बाकी असेंबलियां तहलील होती हैं इलेक्शन की तारीख के बाद तो फिर ये इलेक्शन पहले होना चाहिए और वो इलेक्शन बाद में होना चाहिए। और फिर अगर ये इलेक्शन अपने टाइम पे अक्टूबर में भी करवाते हैं 8 अक्टूबर को या उसके बाद 15 अक्टूबर को, तो ये इलेक्शन तब करवा लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अक्टूबर में करवाएं चाहे नवंबर में करवाएं, इमरान खान की सेहत पे तो फर्क नहीं पड़ता। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 14 मई को इलेक्शन करवाना है, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उससे पहले पहले आप असेंबलियां तहलील कर दें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस पे दो राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये बजट देना भी चाहते हैं तो दे लें, लेकिन ये हमें इलेक्शन की तारीख दें। पीएमएलएन को यह लगता है कि कुछ भी करके वो इस मामले को इतना लंबा ड्रैग करें, इसको वहां तक ले जाएं कि पाकिस्तान के अंदर बारिशों की पेशनगोई में एक सैलाब जैसी कैफियत हो और उस कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए ये हुकूमत की तहलील ना करें और बाद में अदलिया के अंदर होने वाली एक बहुत बड़ी तब्दीली का फ़ायदा उठा लें। उनके दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन वो भी बेसूद है, वो आईनी ऑप्शन ही नहीं है। कोई जज कोई कानून उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। वो चाहते हैं एमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए तो 6 महीने के लिए हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो क्या मुल्क को डिफ़ॉल्ट करार देंगे, ये भी वो नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक और पोल खोल दिया और उन्होंने साफ कहा है कि ये जो आपका स्टाफ लेवल मुआहदा आपका नहीं हो रहा आईएमएफ के साथ, इसहाक डार साहब कितने को 6 महीने से लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा टाइम हो गया है, मेरे पास 30 साल का तजर्बा है, तो मैं आईएमएफ को ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, आईएमएफ को घुटनों पे ले आऊँगा, नहीं करते तो ना करें, मैं खुद मना लूँगा, मेरा बहुत तजर्बा है। ऐ पे आ जाए तजर्बा। अभी तक आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं हो सकी इसहाक डार साहब को, हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए।
लेकिन उसके लिए मिफ्ता इस्माइल साहब के बकौल आईएमएफ को पहले वो आपका बजट देखना चाहते हैं जो बजट आप तैयार कर रहे हैं। यानी पीएमएलएन की अगर कोई ख्वाहिश है कि वो कुछ भी करके एक ऐसा बजट दे जिस बजट के जरिए से वो पैसा उड़ा के बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की मईशत के अंदर सुरंगें बिछा के बारूदी सुरंगें इमरान खान के लिए एक मुसीबत छोड़ जाएंगे, तो उसमें भी वो बंधे हुए ऐसे हैं कि आईएमएफ मुआयदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं पहले हमें अपना बजट दिखाओ, जब हम बजट देखेंगे तो उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि हमने आपके साथ मुआयदा करना है या नहीं करना, या मामला आगे बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने। तो ये सीरियस इश्यूज हैं पीएमएलएन के लिए। तो बेहतर ये है कि वो बजट देने की बजाय इस वक्त रैप अप कर लें, और अगर वो रैप अप कर लेते हैं तो उनको दो तीन फायदे होंगे। नंबर एक, शहबाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे, नाइल नहीं होंगे। नंबर दो, आईएमएफ का जो बोझ है एक बहुत खौफनाक मुआहदे का, वो इनको नहीं उठाना पड़ेगा, निगरान हुकूमत उठाएगी। फिर एक मुश्किल बजट पेश करना पड़ेगा पाकिस्तान का इस मरतबा, और वो बजट अगर पीएमएलएन ने पेश किया तो उनके लिए और मुश्किलात हो जाएंगी। देखिए, अगर पीएमएलएन सियासी नुक्ता नजर से देखेगी तो वो ऐसा बजट पेश करेगी कि पाकिस्तान और आईएमएफ बहुत दूर चले जाएंगे और पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन अगर पीडीएम की हुकूमत सियासी नुक्ता नजर से नहीं देखती और ये देखती है कि पाकिस्तान का इसमें फायदा क्या है, या इस वक्त हमें इस मुसीबत से निकलना कैसे है जिसमें इन्होंने खुद पाकिस्तान को मुसीबत के अंदर गिरफ्तार किया है, तो फिर उन्हें पीडीएम को थोड़ा सा मुश्किल बजट देना पड़ेगा जिसमें आवाम के लिए रिलीफ नहीं होगा। तो आईएमएफ को तब वो मना लेंगे, लेकिन फिर वो इलेक्शन में नहीं जा पाएंगे। अब ये है वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स। पीडीएम भी बुरी तरह फंस गई है, शहबाज शरीफ साहब ना अहल नहीं होना चाहते, ना उनके साथी चाहते हैं कि वो ना अहल हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें लगता है कि सिंध में कुछ ना कुछ करके वो दोबारा हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे। प्रॉब्लम सारा पीएमएलएन को आ रहा है और सारी कन्फ्यूजन पीएमएलएन की तरफ है। मुज़ाकरात के इन तीन अदवार के दौरान जो फजल रहमान साहब हैं वो एक दफ़ा डिस्कस हुए हैं और एक मरतबा उनके बारे में बात की गई है, इतनी ही उनकी रेलिवेंसी है। अगर वो मुज़ाकरात के अंदर शामिल रहते तो शायद उनकी ज़्यादा बात होती, लेकिन क्योंकि फजल रहमान साहब की जमात भी उस लेवल की बड़ी जमात नहीं है, तीन बड़ी जमातें ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी जिनमें पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, पीएमएलएन है, तो उन जमातों ने इसका ज़्यादा इसके अंदर मौसर किरदार अदा किया है और वही इसके अंदर मुज़ाकरात करती हैं और मेन चीज़ें इन्हीं की डिस्कस होती रही हैं। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ करेगी क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताने जा रहे हैं कि हमने नेक नीयती से मुज़ाकरात किए, हम किसी नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इन मुज़ाकरात को तवालत दे रही है, इनमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है और मुज़ाकरात को लंबा कर रही है। हम एक तारीख के ऊपर कंसेंसस करना चाह रहे थे और इसी वजह से हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे, लेकिन हुकूमत की वजह से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। लिहाजा हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि वो 14 मई के अपने पंजाब में इलेक्शन के फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाए, और हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अपने वक्त पर आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात हों। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहने जा रही है, लुबे लुबाब मैंने आपके सामने रख दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि वो हुकूमत को और इदारों को बुलाकर कहे कि जी आप इलेक्शन करवाएं इनके मुताबिक, अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते तो। दूसरा, वो अटॉर्नी जनरल को बुलाएं और उनका मौकफ सुने। वो लाजमन यही कहेंगे, और हुकूमत की तरफ से कुछ शुनीद भी यही है कि हुकूमत यही कहने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हम नेक नीयती से मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम किसी नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं, हमें मजीद वक्त दिया जाए, हम किसी दबाव के अंदर मुज़ाकरात नहीं कर सकते, इनको जल्दी कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारे लीडर्स के साथ मुशावरत करनी होती है, हमें नतीजे पर पहुंचने में किसी किस्म का कोई ऐसा इभाम नहीं है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। सियासतदानों ने पहले भी बड़े बड़े मसाइल हल किए हैं, अब भी मसला हल कर लेंगे, आईने पाकिस्तान भी सियासतदानों ने बनाए, इस किस्म के बड़े बड़े आर्गूमेंट किए जाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो दोनों ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि वो कहे जी इनके मुताबिक इलेक्शन करवाएं, दूसरा ये है कि वो दोबारा से मौका दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर ये कहें कि आप हुकूमत के साथ एक मुज़ाकरात का दौर और करें और कोशिश करें कि किसी नतीजे पर ये मुज़ाकरात पहुँच जाएँ। अच्छा, अगर जल्दी हुकूमत तहलील हो जाती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएँ। अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं तो पीएमएलएन की सियासत में थोड़ी सी जान पड़ जाएगी। वो सड़कों पर निकलेंगे, शोर मचाएंगे, रोला डालेंगे, एस्टेब्लिशमेंट पहले ही उनके साथ है, वो ये कहेंगे हमारे साथ फिर ज्यादती हो गई, पहले बड़े भाई को नाइल किया गया, हमें भी नाइल कर दिया गया, तो वो एक स्यापा डालेंगे पूरे मुल्क में और उससे कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, एक विक्टिम कार्ड है जिसको वो इस्तेमाल करेंगे।
ये वो कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब का तो एक भी मसला हल नहीं हुआ इस पूरी हुकूमत के दौरान। एक साल हो गया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब के केसेस गायब, बल्कि जिस जज की अदालत से फैसला आया उस जज को भी शहबाज शरीफ साहब ने ओहदा दे दिया। ये खबर मैं आपको दे चुका हूँ पहले। हमजा शहबाज साहब केसेस ख़त्म, सलमान शहबाज तेज़ी से अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, और सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान में आकर घूम रहे हैं, दुनिया के मुल्कों में जाकर प्रोटोकॉल ले रहे हैं, और हर जगह के ऊपर अपने वालिद के साथ भी जाते रहे हैं। तो सारा कुछ गेन किया जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने। इवन जो NRO 2 हुआ उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन नवाज शरीफ को कोई इमीडिएट फ़ायदा नहीं हुआ। नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ इमरान खान अभी तक इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। इमरान खान जो है उनको जान से मारने की कोशिश की गई एक मरतबा, वो उसमें भी बच गए। इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी ऊपर जाके छत के साथ लग गई, नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी भी कम हो गई। नवाज शरीफ साहब अगर जब भी वापस आते हैं उनको जेल जाना पड़ेगा और केसेस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं मिला। नवाज शरीफ साहब के जो अपने टारगेट्स थे, जो मेन ये थे कि इमरान खान को बाहर निकालो मुझे अंदर लाओ, वो दोनों टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुए। तो ऐसी सूरत में वो क्यों इंतखाबात की तरफ इस वक्त जाना चाहेंगे? तो कम से कम जो उनको हासिल हो सकता है वो ये है कि उनका भाई नाअहल हो जाए और उसकी बुनियाद पे वो एक नया बयानिया बना लें। नाज़रीन, तीन खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब को बार बार अदालत बुलाया जाता है, उनकी जख्मी टांग के ऊपर दोबारा सूजन हो गई थी और उनको दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा है और काफ़ी तकलीफ है उस टांग के अंदर। तो इमरान खान साहब को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, उनके सिक्योरिटी के लोगों को भी धक्कमपेल की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है और इस बात का अदालतों को भी एहसास करना चाहिए। एक शख्स को पहले गोलियां लग चुकी हैं, वो शदीद खतरात के अंदर ट्रैवल भी करता है, अदालत में भी आता है और पेशियां भी भुगतता है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अजीब ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। नवाज शरीफ का साकिब निसार को जेल भेजने का मुतालबा। एक ऐसा आदमी जो जेल से भागा, मुल्क से भागा, 4 साल हो गए हैं, वो मफरूर है, इश्तिहारी है, वापस आने का नाम नहीं ले रहा, और ख्वाहिश चेक करें नवाज शरीफ साहब की कि साकिब निसार को जेल में डाल दें। अब आप अंदाज़ा करें, ये तो वो छोटा बच्चा नहीं होता जो स्कूल के दरवाजे पे खड़ा हुआ होता है, वो कहता है मुझे ये चीज़ लेकर दोगे तो मैं स्कूल में जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। मियाँ साहब तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, खुदा का नाम है मियाँ साहब। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप जेल से निकल कर कैसे भाग गए, ये बताएं कि आप चंद हफ्तों का कहकर 4 साल से पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, और वो साबिक चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान में मौजूद है उसके ऊपर कोई केस भी नहीं है, उसको उठाकर जेल में डाल दें। मियाँ साहब की ख्वाहिशात भी ना अजीब ही, वो खेलने के लिए चांद मांगते हैं। और एक खबर मैं आपको दूं कि मुराद सईद के खिलाफ एक ऑपरेशन तैयार किया गया है, लेविस को उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है, उनको तैयार किया गया है, और ये ताकतवर लोगों ने फैसला किया है कि अगला टारगेट उनका मुराद सईद होगा। जो ब्यूरोक्रेसी है मलाकंड की, इवन उनका DC मुबैना तौर पर उसने जाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकामी क़यादत को ये कहा है कि मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, हम लोग खासे परेशान हैं, हम पर बहुत दबाव डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, और आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों के लिए अमन मांगना कोई जुर्म नहीं है, और मुराद सईद को इसी जुर्म की लगता है सज़ा मिल रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।